हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है? आई होप दैट एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। एंड अभी जो क्लास है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, वो है प्रीलिम्स के करंट अफेयर। जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो, आई पर्सनली बिलीव कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का करंट अफेयर आपको कंपेरेटिवली आना चाहिए। 1.5 साल का करंट अफेयर मिनिमम है जो आपको आना चाहिए, चाहे बच्चा कोई भी 2021 के लिए पेपर दे रहा है या 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जो करंट अफेयर अब कर रहे हैं, जाने वाली क्लासेस में भी हम करेंगे, तो आपको सबको करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ज़रूरी बनता है। चलो, एंड होप दैट एवरी वन इज़ कम्पेरेटिवली डूइंग गुड और बारिश का मौसम का आनंद ले रहे हो। ऐसे दूसरी क्लासेस में भी बोलते हैं कि बारिश के पानी में नहा लो कभी ना कभी जब मौका लगता है। इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मीन्स आपका बचपना आप में अलाइव होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बेचारा ज़िंदगी गुजर जाएगी, गड़बड़ रहती है। चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज वाली क्लास में जो हम कवर करेंगे पॉइंट्स, दैट इज बेसिकली अप्रैल वाला है और उसमें इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये दो पोर्शन पे कंपैरेटिवली फोकस करेंगे। इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पे कंपैरेटिवली फोकस करेंगे। अलॉन्ग विद दिस देयर स्मॉल अनाउंसमेंट, जो स्टूडेंट्स ने अभी जो मरुका IAS ज्वाइन नहीं किया बट प्रीलिम्स दे रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। 10 टेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हैं, जैसे पेपर पूरे का पूरा GS में से आपके टेस्ट लिए जाएंगे। 10 टेस्ट है। 8 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कंपेरेटिवली आप जाके अपने आप को कॉल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं प्रीलिम टेस्ट सीरीज। एंड जो आपके फ्रेंड्स अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी, फॉर एग्जांपल कोर्स चल रहा है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आई गॉट 196 मार्क्स। कंपेरेटिवली काफ़ी ठीक मार्क्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो ठीक मार्क्स हैं, जहाँ से कंपेरेटिवली अगर, बिकॉज नॉर्मली इंटरव्यू में ये नहीं होता कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, दैट इज़ नॉट वन एस्पेक्ट, हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप डिसेंसी से कैसे मना करना है, किस तरीके से आपने ड्रेसअप होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो वहाँ से कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट हो जाता है, शूज़ कैसे डालने हैं, टाई कैसी है, या फॉर एग्जाम्पल आपका जो सूट है वो कैसा होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा और पॉलिश कैसे किया जा सकता है, स्मॉल थिंग्स डेफिनेटली ब्रिंग अबाउट अ गुड चेंज इन यू। और मिनिमम फॉर एग्जाम्पल 40-50 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे एक एज आपको मिल सकता है दूसरों से एज कम्पेयर टू, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। चलो, इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। डू जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आस्क देम टू हैव अ मॉक, ताकि उनको काफ़ी बेनिफिट हो सके। तो अभी हम कंपेरेटिवली, इज द वॉइस फाइन नाउ? अभी आवाज आ रही है सबको? जैसे जैसे थोड़ा सा क्लास चलेगी अपने आप वो गर्मी सी आएगी खून में और ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है? की आवाज देखना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं जी, करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। और जो करंट अफेयर कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अभी आज वाली क्लास में करंट अफेयर्स करेंगे हम, एनवायरनमेंट वाले पोर्शन के हैं प्लस इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन के करंट अफेयर हैं। इट इज टू द पॉइंट करंट अफेयर, आगे पीछे वाला कुछ नहीं है, जो टू द पॉइंट जो आपको चाहिए वही सफिशिएंट है। अगर अभी भी नहीं आ रही तो थोड़ा सा कान में वो ईयरबड्स एक्सेट्रा मार लो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पहला टॉपिक है दैट इज बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, इसलिए मल्टीपल रिपोर्ट्स है। बहुत बार जो पहले दूसरी क्लासेस भी हो चुकी है उसमें भी कंपेटिवली अलग अलग क्लासेस में बताया गया कि कौन सी रिपोर्ट कौन तैयार करता है। यहाँ से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कौन रिपोर्ट तैयार करता है। क्वेश्चंस कंपेटिवली डायरेक्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो वहां पे कंपेटिवली पॉसिबिलिटी बन जाती है कि सही होने का सीधे नंबर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट दूसरा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तीसरा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट दैट आर बेसिकली बींग प्रिपेयर्ड बाई द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और भी बहुत सारी है लेकिन आपको एक लिमिट तो रखना ही पड़ेगा कि कहाँ तक फॉर एग्जाम्पल वो आप याद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो न्यूज़पेपर में कॉन्टिन्यूसली आ रही है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, सही है। आई होप कि अभी आवाज़ सबको सही आ रही होगी, इज इट फाइन नाउ? चलो होपफुली दूसरों को भी सबको सही आ रही होगी, तो वो थोड़ा सा होता है भाई, धीरे धीरे चार्ज होते हैं हम। चलो जी ठीक है, वेरी गुड। द सेकंड टॉपिक दैट इज ई संता वेब पोर्टल। नाउ देयर इज अ नीड दैट ऑल द पीपल हु आर देयर वर्किंग इन द विलेज एरिया, वर्किंग इन द कोस्टल एरियाज, लिविंग इन द विलेजेस। अभी बस स्टार्ट किया है रोशन कुमार। दे शुड बी डिजिटली कनेक्टेड विद एनी पोर्टल सो दैट एनी प्रोडक्ट दैट दे आर हैविंग दे कैन बी इन अ पोजीशन टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और उसी के कंटेक्स्ट में ई संता वेब पोर्टल एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सो दैट द फार्मर एक्सेट्रा दे आर देयर दे कैन फ्रीली लिस्ट देयर प्रोड्यूस एंड कोट देयर प्राइसेस। कनेक्ट किसको करना है? एक प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स विद द वायर्स। एक्वा फार्मर्स फॉर एग्जांपल जो कोस्टल एरियाज में कहीं पे भी लोग रह रहे हैं, जब मछली या फॉर एग्जांपल फिशेस का जो करते हैं फार्मिंग करते हैं, उनको कनेक्ट करना है फॉर एग्जांपल विद द वायर्स। अब होगा क्या? दे विल बी सेइंग कि हमारा ये प्रोडक्ट है, पोर्टल के ऊपर करेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको फॉर एग्जाम्पल हम सेल करना चाह रहे हो, इस प्राइस के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड द बायर वुड बी कमिंग, वो बोलेगा मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है, जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता होगा। देयरफॉर द पोर्टल हैज बेसिकली बीन क्रिएटेड कि एक्वा फार्मर और बायर्स को एक जगह पे डेफिनेटली कनेक्ट कर दिया जाए, जिसका काफी उनका बेनिफिट मिल सकता है। फार्मर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, डिजायर्ड लोकेशन, हार्वेस्ट डेट्स एक्सेट्रा दैट कैन बी गिवन। सिंपल पूछेगा जी क्या है ई संता वेब पोर्टल? क्या है? एक ऐसा पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट करना है बायर्स के साथ, इसके लिए ई संता वेब पोर्टल। अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट इज कमिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है जो प्रिपेयर करी जा रही है IMF के द्वारा। Recently, क्या कहा जा रहा है? That there is a positive growth that will be taking place. 2020 में भी ठीक है, एक growth देखने को मिली है, despite the fact that this is the year that the people have been affected by corona pandemic. और जब इंडिया और चाइना दो countries comparatively grow कर रही हैं, अब इन्हीं countries में हमें आगे बढ़ के क्या देखना है? That it comparatively comes important कि ज़्यादा growth rate आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? Indian economy is expected to grow, for example, even in a double digit in 2021. तो वहाँ पे comparatively important है। World economic outlook कौन तैयार करता है? IMF publish साल में दो बार होता है, April और October के time पे। 2021 में और 2022 में Indian economy ये grow कर रही है 12.5% and 6.9% 2022 में।
double digit growth in 2021 is very, very important after the 8% growth that was basically being witnessed at that point of time. 8% growth bhi comparatively kafi achhi hai. Chal rahi hai, haan ji, classes. Growth rate for 2021 in India is comparatively will be better than China. तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए क्या कि फॉर 2020 में 21 में 22 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के कंटेक्स्ट में इंडिया का ग्रोथ रेट क्या होने वाला है, क्या हमारा ग्रोथ रेट चाइना से ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है? डेफिनेटली 2021 में इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन चाइना. चाइना वॉज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमी हैज अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट 2% 2.3 और 8.6% और 5.6%. कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे 2020 है, चाहे 21 का एक्सपेक्टेड है, चाहे 22 का है, इंडिया की ग्रोथ रेट एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक विल बी मच मोर एज कंपेयर टू द चाइना, जो आपको कंपेरेटिवली पता होना चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. इस रिपोर्ट को भी कौन रिलीज करता है? IMF. तो IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट भी रिलीज करी पहला, और दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी इसके द्वारा फॉर एग्जांपल प्रिपेयर करी जा रही है. आई होप इट इज क्लियर टू गेट एवरीवन, क्लियर फॉर एवरीवन. ए बी मोटिवेशन, आप ऑफिस में कॉल कर लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी बनती हुई तो आपको असिस्ट हेल्प कर देंगे जितना पॉसिबिलिटी बनती हुई, बिकॉज पूरा हमारे हाथ में भी नहीं होता, इट इज़ अ टीम दैट इज देयर. तो आई एम जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मुलुक का IAS टीम, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड धर्मेंद्र, हाँ डेफिनेटली इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा, असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड भी किया जाएगा. एम प्राइम किसके लिए एक प्रोग्राम है, लॉन्च किसने किया है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग इन एसोसिएशन विद बिलिंदा एंड मेलिंगेट फाउंडेशन, इनके दोनों के एसोसिएशन से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया. किसके लिए? प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन ऑन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. किसके लिए? सो दैट जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है इसको प्रमोट किया जा सके, और नॉट ओनली ऊपर ऊपर सुपरफिशियल बट डीप टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन अ बेटर वे, डीप टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप भी किया जा सके, और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है, और ट्रेनिंग का टाइम पीरियड, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस का टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 12 महीने का रखा गया है, जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स में डीप टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा अदर थिंग्स विल बी डेवलप्ड. किसके लिए? सो दैट इनोवेशन को कंपेटिवली बढ़ावा दिया जा सके. तो इसके लिए कौन सी है एम, फॉर एग्जाम्पल प्राइम दैट हैज बीन स्टार्टेड, प्रोग्राम स्टार्ट किया, इन दोनों ने किया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, डीप टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी है 12 महीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उनको टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग और गाइडेंस भी दी जाएगी. नेक्स्ट इज नाबार्ड. यार नाबार्ड के बारे में ना बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन आप पिछले 10 साल में देखोगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली नाबार्ड के बारे में देखने को मिल जाएंगे. अल्टरनेट ईयर्स तो पक्का क्वेश्चन नाबार्ड में आता है अगर हर साल कंपेटिटिव नहीं आता. नाबार्ड एक स्टेटरी बॉडी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. आप यहीं से देख लो, एक तो एग्रीकल्चर के लिए है और दूसरा रूरल डेवलपमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल बनाया गया है. एक बैंक है जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने में फैसिलिटेट करना है, और रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम कैसे प्रमोट करना है. एंड सबसे बड़ी बात है रीफाइनेंस. कोई बैंक फॉर एग्जांपल आगे पैसा दे रही है, ये डायरेक्टली लेंड नहीं करेगी, बैंक पैसा दे रही है किसी थर्ड इंसान को, और ये बैंक के कॉन्टेक्स्ट रीफाइनेंस करने का काम करती है नाबार्ड. तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है. फर्स्टली, सेकेंडली, और क्या इसका कोई लिंक है कोऑपरेटिव्स के साथ? क्या इसका लिंक है कोई रीजनल रूरल बैंक के साथ?
क्या इसका लिंक है कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो ये कंपेरेटिवली आपको पता होना चाहिए, एक डायरेक्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट किसके लिए? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सुपरवाइज करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, सो दैट अ साउंड बैंकिंग सिस्टम कैन बी डेवलप्ड एंड इंटेग्रेट देम विद अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कि अगर बैंक से कंटेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको साउंड बैंकिंग सिस्टम में, एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम में हम कैसे कंपेटिटिवली उसको मिला सकते हैं, ये नबार्ड एपो। तो पहला बात है रीफाइनेंस करेगा, दूसरा पॉइंट है कॉपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को भी ये फॉर एग्जांपल सुपरवाइज करेगा। तीसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को डिजाइन करना है, डिजाइनिंग द यूनियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स एंड देयर इंप्लीमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर में या रूरल डेवलपमेंट में अगर कुछ काम करना है, इन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो दिस नवार्ड वुड बी असिस्टिंग इन प्रिपेयरिंग, इन डिजाइनिंग एंड इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ, कि कैसे हम रूरल एरियाज में डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को भी काफी हद तक प्रमोट किया जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कॉपरेशन विद आरबीआई के साथ कैसे करेंगे? आरबीआई प्रोवाइड 3 डायरेक्टर्स टू नवार्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नवार्ड आल्सो रिकमेंड्स टू आरबीआई ऑन इश्यूज की कैसे लेसन्स, क्या कॉपरेटिव बैंक्स को लेसन्स दिया जा सकता है, नई कॉपरेटिव बैंक्स को ओपन अप करना है बाय द स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, इनको नई ब्रांचेस के खोलने के बारे में, आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी ये बताया जाएगा नाबार्ड के बारे में। तो हम एक बार करते हैं, क्या है स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्या काम करेगी, रीफाइनेंस का काम करेगी, कहाँ पे, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट कंटेक्स में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सुपरवाइज करती है कोऑपरेटिव बैंक्स को एंड रीजनल रूरल बैंक्स को। थर्ड पॉइंट, अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम बनानी है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम बनाना है एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, वहाँ पे उसको डिजाइन भी करेगी और फॉर एग्जांपल उसको सुपरवाइज करने का काम भी करेगी, एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी करेगी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इज बेसिकली बेस्ड इन मुंबई और आरबीआई के साथ भी करती है। आरबीआई 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है और रिकमेंड करता है आरबीआई कि कहाँ पे कॉपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस देना है या आपने नई ब्रांच खोलनी है कॉपरेटिव बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक। Is it clear for everyone? सबके लिए समझ आ रहा है अभी? और आवाज क्लियर है? नबार्ड का पेपर दे लो यार, ऐसे मत करो। ये पता क्या हुई, मजाक की बात है, दिल पे मत लेना। ये पता कि हम तैयारी कर रहे हैं आईएएस गिरी की, आप मेरे को पूछ रहे हो नबार्ड में सिलेक्शन कैसे होती है। ये पता क्या है, एक इसका मतलब क्या हुआ, आप मर्सिडीज ले रहे हो और शोरूम मर्सिडीज लेने का मन है और शोरूम में जाके पूछ रहे हो भैया बताओ जी इसकी एवरेज कितनी है, ऐसे मत करो यार, ठीक है? नहीं ऐसे कोई मजाक की बात है भाई, आप इतनी चीज आप सब लोग कुछ बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत अधिकार तो हमारे पास भी है ना। चलो जाके कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज ओपीएम एंड इंडिया, अफीम, पंजाब में काली नागनी बोलते हैं इसको, अच्छी भी है और बुरी भी है, डिपेंड अपॉन आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। चलो अरे नथिंग टू बी सॉरी, ये तो मजाक की बात है भाई, आदान प्रदान हो रहा है। ओपीएम एंड इंडिया, पहले बात तो
फॉर एग्जाम्पल ओपियम इज अ ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैप्सूल्स ऑफ द ओपियम पॉपी महाबेर, थोड़े से वो सीड्स टाइप से बने होते हैं, उसको कट लगा लिया जाता है, फिर दूध निकलता है उससे कंपेरेटिवली, फिर अफीम तैयार करी जाती है, और जहाँ पे आप इसके पौधे लगाओगे दूर दूर तक कंपेरेटिवली वो उसकी खुशबू भी आती है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 कंट्रीज जहाँ पे ओपियम कल्टीवेशन लीगली अलाउड है, मतलब अगर वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, 12-11 और कंट्रीज है, तो मतलब कहीं ना कहीं पे इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी इम्प्लीकेशन कुछ हो सकता है। एंड देयरफॉर इट इज परमिसेबल विद इन द लिमिट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, पहली बात इंपॉर्टेंट है, क्या लीगल कल्टीवेशन अलाउड है? हाँ जी अलाउड है। इज द साउंड क्लियर? देखिए आवाज आ रही है, आ नहीं रही है? एनी अदर स्टूडेंट फेसिंग प्रॉब्लम? आवाज आ रही है सबको? रोशन आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, इंडिया में कहां कहां पे है ट्रेडिशनल ग्रोइंग स्टेट्स, कौन सी है? यूपी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, और लाइसेंस कौन करता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक ये इशू करता है। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स लाइसेंस इशू करता है कि आपको जैसे ठेके पे मिलता है कि आप इतनी कल्टीवेशन करोगे, इतनी जमीन में आप ओपियम की कल्टीवेशन कर सकते हो। नाउ रिसेंटली न्यूज में क्यों था? इट वॉज इन न्यूज बिकॉज सरकार कदम उठा रही है कि कुछ प्राइवेट पब्लिक को भी इकट्ठा करके इसकी कैसे हम नई टेक्नोलॉजी यूज कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके ओपीएम प्रोडक्शन के कंटेक्स में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अंडर दिस द गवर्नमेंट विल स्विच टू न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रायल कल्टिवेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन फॉर कंसंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ, जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्ट है, और उसके बाद डेवलप किया जाएगा और पॉपी प्लांट एंड देयर विल बी बेटर पॉपी दैट वुड बी मेड, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उसको सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सरकारी फैक्ट्रीज को। एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपैरेटिवली हिंदुस्तान में रुक गई, जहां पैसे लगा लो बहुत लोगों का बिजनेस इफेक्ट हो गया। अब बिजनेस को थोड़ा सा रिकवर करना अपनी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती सब लोगों की, और खास करके जो यूनिट्स छोटी होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपैरेटिवली जो होती है उनको रिकवर करना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे सरकार कुछ स्टेप्स लेती है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम आपको असिस्ट करेंगे, हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो लोन प्रोवाइड करेगी और आप रीपे कर पाओगे इन बैंक्स को, उसके लिए हम अश्योरिटी देते हैं। हम एक बॉडी बनाएंगे, वो अश्योरिटी देगी कि भाई हाँ उस एक कंपनी को लेंड कर दे बैंक्स को या एनबीएफसी को, कि अगर ये डिफॉल्ट भी करता है तो उसके जिम्मे जगह पे हम आपको रीपे कर आप पैसे देने को तैयार है। इसी कंटेक्स्ट में एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम किस तरीके से कि आप क्रेडिट दे दो, आप क्रेडिट दे दोगे तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, हम गारंटी लेते हैं आपका पैसा नहीं डूबेगा, इसके लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए किया गया है स्कीम, ये क्रेडिट प्रोवाइड करना है। द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी NCGTE प्रोवाइड्स 100% गारंटी कवरेज, वेयर एज बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या करेगी, आपको लोन प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड कैसे होगा क्रेडिट गारंटी? एमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, नो गारंटी शैल बी चार्ज्ड, कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ चार्ज किया जाएगा, कुछ चार्ज फॉर एग्जांपल फॉर मनी लेंडिंग।
इंटरेस्ट रेट को भी कैप किया गया है, ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, अगर बैंक से ले रहे हो तो 9.25% से ज्यादा बैंक आपसे चार्ज नहीं कर सकती। अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो तो वो फॉर एग्जांपल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC से 14% का होगा। बॉरोवर्स फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 50 करोड़ है लेकिन जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो वो कंपेटिवली एलिजिबल होते हैं इसके लिए। 1 अगस्त को इस स्कोप को वाइड कर लिया, वाइडन द स्कोप ऑफ 3 लाख करोड़ बाई डबलिंग द अपर सीलिंग ऑफ द लोन्स, कि आप कंपेटिवली कितना कंपेटिवली लोन ले सकते हैं। पहली बात इसको डबल कर दिया है। सेकेंडली स्कोप को वाइड कर दिया है, कैसे नए सेक्टर्स हॉस्पिटैलिटी ट्रेवल टूरिज्म इनको भी कंपेटिवली अब इंक्लूड कर लिया है। अगर कोई हॉस्पिटैलिटी है ट्रेवल है टूरिज्म का कुछ काम कर रहा है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम कंपेटिवली फेस कर रहे हैं उनको भी असिस्ट करेगा। क्यों? बिकॉज भारत को आत्मनिर्भर अभियान जो चलाया जा रहा है उसके कंटेक्स्ट में कंपेटिवली वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, संकल्प से सिद्धि, विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट। देखो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में कंपेटिवली जो उनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको सेल करना है। सेल करने के लिए गवर्नमेंट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी या कुछ और असिस्ट करेगी सो दैट जो ट्राइबल लोगों के पास प्रोड्यूस है उनको कंपेटिवली अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके एक्टिविटी को। लॉन्च ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर टू एक्टिवेट द वंदन विकास केंद्र इट हैंडल विलेजेस इन ईच रीजन। टोटल 1500 विलेज को कवर किया जाने वाला है इस टाइम के ऊपर सो दैट क्लस्टर डेवलप हो सके ताकि ट्राई फूड और सफुर्ति यूनिट्स को कंपेटिवली लार्ज एंटरप्राइज के साथ कनेक्ट किया जा सके। अब ये क्या करेगी, इनहेंस करना है। पहले इससे पहले वंदन विकास केंद्र इसकी एक्टिविटी क्या, जब वंदन योजना का काम क्या है कि कैसे हम ट्राइबल पीपल की इनकम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए फॉर एग्जांपल वंदन योजना चलाई जा रही है। इसके अंडर एक है ट्राई फूड, ट्राई फूड फॉर एग्जांपल क्या करेगी आपको किस इनहेंस द इनकम ट्राइब्स तो यूटिलाइजेशन ऑफ एंड वैल्यू एडिशन। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कलेक्ट कर रहे हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट कर रहे हैं उनको कंपेटिवली बेनिफिट देने के लिए असिस्ट किया जाएगा। किसके लिए, ताकि आप अपना सेल वैल्यू एडिशन करो और कंपेटिवली सेल करो। Identify the suppliers from the tribal artisans and other groups to provide access to the larger market or tribalindia.com के context में, ताकि tribal लोगों को कैसे हम wider aspect पे कम उसको लेके जाया जा सकते हैं। Is it clear till now? मधुमिलन, हाँ जी मधुमिलन, अगर कुछ उसका सीरियल ऑर्डर लगाने वाला है तो आई रिक्वेस्ट गुरप्रीत सर 1-2 दिन में वो कर देंगे। उनको क्या बोलेंगे, जो हमारी ऐप के ऊपर क्लासेस है उसको मंथ वाइज कंपेटिवली हर मंथ में जो 3-3, 2-2 क्लास होती है उसको उस तरीके से वो लगा देंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट इज मैंडेटरी हॉल मार्किंग। अब नॉर्मली गोल्ड की ज्वेलरी जब आप सेल परचेज करते हो तो वहाँ से बहुत बार क्या होता है कि ज्वेलर्स वहाँ पे आपको जो प्योरिटी वो कम दे देते हैं। इस प्योरिटी को प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सरकार ने 2019 में एक नोटिफिकेशन टाइप सा इशू किया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था नोटिफिकेशन किया था कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आने वाले समय में जो आपका हॉल मार्किंग है ठप्पा लगाएगा भी इसकी प्योरिटी कितनी है उसको हॉल मार्किंग बोलते हैं। आई थिंक यार देखो मेरे पास अनमोल सही चल रहा है, मैंने अभी चेक किया है और लैपटॉप पे आवाज करके, और अदर स्टूडेंट को भी मेरे को लगता कि प्रॉब्लम आ रही है। दो सिस्टम पे हम कंपेटिवली चेक करते हैं साथ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। विकी आ रहा सही है? ठीक है ना,
इट्स फाइन। तो क्या करेंगे कि मैंडेटरी आपकी आपको जरूरी है कि आपको वो हॉलमार्क करना पड़ेगा, ठप्पा लगाना पड़ेगा, जिसका प्योरिटी पता करने के लिए कि कितनी प्योरिटी का है। भाई काफी आवाज लगा रहा हूं यार, ऐसे मत करो। ठीक है, प्रेजेंटली इट इज वॉलंटरली 2019 में सरकार ने बोला था कर देंगे। अब कितना है कि ऐसा नहीं कि कोई कैसी भी ज्वेलरी बेच दे आपको, तीन पहले 10 फॉर एग्जाम्पल टाइप का सोना बेच सकते थे कि प्योरिटी कम ज्यादा एक्सेट्रा। नाउ दैट हैज बीन रिड्यूस्ड ओनली टू 3, दैट इज 14, 18 या 22 कैरेट का गोल्ड ही कंपैरेटिवली आप सेल कर सकते हैं। 4 मार्क्स चाहिए उसमें, पहला BIS मार्क्स, प्योरिटी इन कैरेट, असेस सेंटर नेम, किसने फॉर एग्जाम्पल उसको असेस करके बताया है, और ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि ज्वेलर्स फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कर पा रहे कि किस ज्वेलर का है, उसको भी कंपेरेटिवली आपको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा। इज एप्लीकेबल टू सेल्स बाई रिटेलर्स एंड नॉट टू कंज्यूमर्स। जो सेल करेंगे, रिटेल करेंगे, सेल करेंगे, उनकी जिम्मेवारी है कि आपकी प्रॉपर मोर हो, 4 तरीके से पता लगे कि 4 डिफरेंट मार्क्स आर देयर पहला, लेकिन जो कंज्यूमर है उसकी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना गोल्ड सेल ऑफ करने जाओगे तो वहां पे आपको इम्पोर्टेंट है कि जो सेल कर रहे हो उसकी भी कंपेटिवली मार्किंग अच्छे तरीके से प्योरिटी का पता। अगर नहीं मानोगे तो 1,00,000 या 5 times द वैल्यू आपको कंपेटिवली वो पे करना पड़ सकता है। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, रिव्यू करना है किसका, रिसेंटली सेटअप बाई RBI टू रिव्यू द रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन इंटरनली। अपना खुद ही रिव्यू करो कि कहाँ कहाँ पे आपकी कमी है बैंक्स में, और कहाँ कहाँ पे आप देखो कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसके कंटेक्स्ट में रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी सेटअप करी गई है RBI ने। वैलिडिटी होगी पीरियड का फॉर एग्जाम्पल 1 year फ्रॉम 1st of May इसका कंपेटिवली इम्प्लीमेंटेशन होगा। रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रेडिंग है। अभी क्या कर दिया, रिसेंटली सरकार ने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया पार्टिसिपेट करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में थ्रू डायरेक्ट, रिटेल डायरेक्ट, पहले अलाउ नहीं था। अर्लियर दीज रिटेल इन्वेस्टर्स वर नॉट अलाउड, नाउ दे हैव बीन अलाउड। इट ऑक्शन लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पे G-Sec आपको बताया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि किस तरीके से। सर मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या करूं। भाई देखो 2-3 चीज हो सकती है, शादी नहीं हो रही तो पहली बात तो आपके लक्षण ठीक नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बदनामी ज्यादा करवाई हो सकती है आपने। सेकंड थिंग, आपके कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है विच आई डू नॉट वॉन्ट टू से। थर्ड थिंग, किस्मत भी कभी कभी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है कि लगता ना होगी ये मेरी बेटी को संभाल लेगा, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और चौथा, आपने नाम लिख रहा है दरोगा हप्पू सिंह, ठीक है, अगर दरोगा हो तो यार, और दरोगा होने के बाद शादी नहीं हो रही है तो मतलब कहीं पर बड़ा फॉल्ट है। चलो अब यहाँ तो जो छोटी जॉब पे लगे हुए हैं भाई वो मस्त मज़े कर रहे हैं। चलो ठीक है, पता एक बात बताता हूँ, व्हेनेवर आप कभी भी कहीं पे भी क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास फ्रीडम, आप कुछ भी बोल दोगे। आपको एक डिग्निटी मेंटेन करनी हुई है कि मैं ऐसी फालतू की बातें ना करें। ठीक है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी, मेरे को देखो, आप हमें नहीं पता कि आप कौन हो, ठीक है, बट डज नॉट मेक एनी सेंस टू कम टू दिस। हाँ, अगर कहीं YouTube बाबा, बंगाली बाबा है, आपको हेल्प करेंगे, वो होता है ना कि मन चाही शादी कुछ ऐसा, वो एडवर्टीजमेंट भी आती है कुछ वैसे पे जाओ। चलो, मन चाहा वशीकरण ऐसा कुछ होता है। ऑक्शन लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे आर द मोस्ट फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल ऑफ कर रही है तो वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है, मतलब ऐसा कि सरकार तो चेंज हो सकती है
पर आपका पैसा अगर गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो नहीं डूबेगा, तो वहां पे अलाउ कर दिया लॉन्ग टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म इंस्टू ट्रेजरी बिल्स ऑल्सो टू रिटेल इन्वेस्टर्स। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, अभी डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट पोर्टल सेटअप किया गया है जहां पे इनको कंपेटिवली अलाउ कर दिया इस काम के लिए। दे ऑफर अ हायर यील्ड देन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द बैंक्स कंपेटिवली, वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा होने वाला है। सुदर्शन सेन कमिटी सेटअप बाय आरबीआई टू कॉम्प्रिहेंसिव एग्जिस्टिंग रीगल एंड लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लिया जा सकता है क्या देखने के लिए, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एआरसी इन रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट। बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक जैसे जिसको बैड बैंक भी बोला जाता है, कोई एक कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, इसने पैसा देना है 100 करोड़, ठीक है। अब एआरसी आएगी जी, वो बैंक को बोलेगी कि वैसे भी आपका 100 करोड़ डूब ही रहा है, आप ऐसा करो इसके कागजात आप हमें दे दो, इसके कागजात आप इनको दे दो और इसके बदले में हम आपको 60 करोड़ दे रहे हैं, आगे हमारी किस्मत हम 60 करोड़ रिकवर कर पाएंगे, 80 करोड़ कर पाएंगे, 100 करोड़ कर पाएंगे या 20 करोड़ कर पाएंगे हमारी है, कम से कम आप अपने 60 लेके साइड पे हो जाओ। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो आपके एसेट डूब चुके हैं उसको दोबारा से कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बैंक क्या होता है, आपको पैसा देता है, ये इसको बैड बैंक बोला जाता है, आपसे पैसा निकलवाता है, गुंडागर्दी सेक्टर करवाता है, इसको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इनका रोल क्या है ये देखने के लिए जो कमिटी बिठाई गई है सुदर्शन सेन कमिटी उसका नाम है। करेंसी चेस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, रिसेंटली कई बार न्यूज में कंपेरेटिवली आपको देखने को सुनी है। इज अ प्लेस वेयर आरबीआई पैसा रखती है विच आर मेंट फॉर द बैंक्स और फॉर एटीएम्स। अलग अलग बैंक के प्रेमिस में उनके एरिया में वो पैसा रखा जाता है जो बैंक्स के लिए और एटीएम्स के लिए है, वो आरबीआई रखती है। जो बैंक अपने लिए अपना पैसा रखती है वो एक अलग कैटेगरी है, वो करेंसी चेस्ट का पार्ट नहीं होता। आप करेंसी चेस्ट यहां पे लेके चलिए, जो बैंक है आरबीआई या स्टॉक करता है मनी किसके लिए, बैंक्स के लिए या एटीएम्स के लिए, कहां पे करता है उस प्लेस को फॉर एग्जांपल करेंसी चेस्ट बोला जाता है। कहां पे है वो बैंक्स के प्रीमिसेस उसकी बाउंड्री में ही हो सकता है, लेकिन वो पैसा एक अलग होगा और बैंक जो अपने लिए पैसा मेंटेन करता है रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज करने में वो कंपेटिटिवली एक अलग पैसा होगा। डिफरेंट बैंक्स एडमिनिस्टर्ड, आरबीआई उसको एडमिनिस्टर करेगी। मनी प्रेजेंट इन द करेंसी चेस्ट बिलोंग टू द आरबीआई, मनी केप्ट इन द स्ट्रांग रूम आउटसाइड द करेंसी वो फॉर एग्जांपल बैंक्स की जिम्मेदारी है। कितना होगा सिक्योरिटी वेरीज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। करेंसी चेस्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी बार यूज में होता रहा है, जो कंपेटिवली आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, गुड इवनिंग। प्रोर आईआईएससी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो रिसेंटली डेवलप किया है सो दैट अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब पेटेंट प्रोसेस करने के लिए जो लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आती थी उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए आईएएससी एंड प्रोजो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोर आईएएससी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अब है आपके रजिस्टर करवाना है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब अलग अलग कंटेक्स्ट में किया भी जाता है तो वहाँ पे मल्टीपल तरीके से होता है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है और उसका टाइम ड्यूरेशन कंपेरेटिव अलग होता है। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये होता क्या है? बेसिकली राइट्स गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, अपने दिमाग से अपने कला से जो कुछ क्रिएट किया है, क्या हो सकता है, कोई इन्वेंशन, कोई लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, कोई नेम, कोई इमेज जो कंपेटिवली कमर्स की तरह पे यूज किया जा सकता है। इसका अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पीरियड भी हो सकता है। हो सकता है आपका आर्टिस्टिक वर्क है, कुछ आपने कुछ गाना गा दिया, उसकी रॉयल्टी आप जब तक आप रहोगे जिंदा हो तब तक मिलेगी आपको, प्लस 50 इयर्स आपकी डेथ के बाद भी मिलेगी, दैट कैन बी अलाउड बाई फॉर एग्जाम्पल WTO। पेटेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस एक चीज का पेटेंट है फॉर एग्जाम्पल किसी मेडिसिन का, किसी और चीज का,
उस पेटेंट के चलते हुई आपको 20 इयर्स का हिंदुस्तान में राइट दिया जाता है उसको प्रोड्यूस करने का, आर एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द कंपनी इंडिविजुअल फॉर देयर इन्वेंशन, टाइम बाउंड है। फॉर एग्जांपल इंडिया में 20 इयर्स का पेटेंट है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन इंडिया में 20 इयर्स है, आपके पास ही राइट है कंपेरेटिवली किस प्रोडक्ट की इसका प्रोड्यूस, इस प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कंपेरेटिवली आप खुद ही करोगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड दैट हैज बीन देयर, इसमें एक कंसेप्ट इसमें अमेंडमेंट करी है, और अमेंडमेंट करने से किया है यूज ऑफ द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट डेब्टर्स, जिसको एमएसएमईज के अंडर क्लासिफाई है प्री पैकेज। आपको कोई फाइनेंस कर रहा है कि आप कंपनी खोलो, या आपने काफी लोगों से पैसा लेके आपने फॉर एग्जांपल फाइनेंस अपनी कंपनी सेटअप करी है। अब एक चीज नॉर्मली क्या होता है, आप पैसा एक चीज के लिए ले रहे हो लेकिन फॉर एग्जांपल उसको यूज दूसरे काम के लिए कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बैंकरप्ट भी जा सकते हो। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, इस बैंकरप्टेंसी के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया है कि ऐसा करते हैं, पहले ही एक प्लान बना लेते हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, अगर कोई कंपनी करप्ट बैंकरप्ट हो जाती है तो उसका रेजोल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि विद इन अ टाइम फ्रेम जल्दी उस कंपनी का रेजोल्यूशन की भाई तेरा इतना पैसा लगा था तेरे को ये मिलेगा, तेरा इतना पैसा लगा था तेरे को ये मिलेगा, तू उसको प्रमोट कर रहा था तो इन्वेस्ट कर रहा था, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन दोज थिंग्स कि कैसे वो डिसाइड किया जाता है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एज एन अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर एमएसएमई। द थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की, 10 लाख से लेके 1 करोड़ है, क्योंकि ये एमएसएमईज के बारे में कंपैरेटिवली डील करता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग की तरह होता है, दैट अलाउज क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स टू वर्क एन इनफॉर्मल प्लान, एंड दैट इनफॉर्मल प्लान बाद में फॉर एग्जाम्पल जाएगा एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, डायरेक्ट नहीं जाएगा इनडायरेक्टली जाएगा। इट रिक्वायर्स अब उसके पास जाने के लिए 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर की यस चाहिए कि अगर कल को ये कंपनी डूबती है तो हम इस प्लान के कंटेक्स्ट में इसको फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज को हम डिवाइड करेंगे। पूछा जा सकता है प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन किसके कंटेक्स्ट में है, एमएसएमई के कंटेक्स्ट में कहा है, अगर वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है उसके कंटेक्स्ट में वो किया जाएगा। सेम टाइम पीरियड कितना है, 120 दिन। फर्दर ओनली 90 डेज आर अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर्स टू ब्रिंग द रेजोल्यूशन प्लान टू द एनसीएलटी। रेजोल्यूशन कितने टाइम में हो जाना चाहिए आपका, 120 डेज के प्रोसेस कंपेरेटिवली वाइंड अप। Is it clear to everyone? समझ आ रही है सबको? चलो जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अगेन इट कैन बी आस्क्ड, वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, कहां पे रहता है, फाउंड इन ग्रासलैंड्स एंड स्क्रबलैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहां पे मिलता है। इंडिया की जब बात करते हैं तो राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, IUCN की जब बात करते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कंपेटिवली आपको पता होना चाहिए। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट में शेड्यूल्ड है, ओमनीवोरस है, डिपेंड्स अपॉन ऑर्थोपॉड्स वॉर्म्स स्मॉल मेंबर्स एक्सेट्रा। राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको ताकि कंपेटिवली ब्रीडिंग ग्राउंड्स को दोबारा से ठीक किया जा सके, और इनके जो हैबिटेट के ऊपर प्रेशर है उस प्रेशर को हम कैसे कंपेटिवली कम कर सकते। ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन है, कंपेटिवली अगर आप जो बीच है कंपेटिवली क्लीन है, 33 कैटेगरीज है उसको फुलफिल करने के बाद
कोई भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का फॉर एग्जांपल टैग दिया जा सकता है, उसको मल्टीपल क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे. इट इज रिकॉग्नाइज एज अ वॉलंटरी इको लेवल अवार्ड टू बीचेस मैरीनास और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स. 33 क्राइटेरिया है जो फुलफिल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर मीटिंग, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वेस्ट डिस्पोजल नहीं होना चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड होने चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, फर्स्ट एड इक्विपमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सेस टू द पेट्स शुड नॉट बी अलाउड. इसके कंटेक्स्ट में अगर पूरा क्लीन बीच रखी जा रही है और इस कैटेगरीज को आप कंपैटिबली फुलफिल करते हो तो देयरफॉर द सर्टिफिकेशन वुड कंपैटिबली बी गिवन एट दैट पॉइंट. अब देता कौन है? द डेनमार्क बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अवार्ड करता है. सम क्राइटेरियाज आप वॉलेंटरली और कुछ कंपैटिबली आपको कंपल्सरी करना पड़े. इसी लाइंस के ऊपर इंडिया ने किया हुआ है स्टार्ट अपना ओन इको लेवल बीम्स बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज. आपको पूछा जा सकता है कि बीम्स क्या है? सेम जिस तरीके से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के कंटेक्स्ट में है, उसी कंटेक्स्ट में इंडिया ने बीम्स को भी कंपेटिव लॉन्च किया हुआ है. इस देखने के लिए लॉन्च बाय सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बीच के एनवायरनमेंट को देखने के लिए. Next, the next is Lulter partnership project. एक partnership project है जो International Maritime Organization FAO के बीच में चलाया गया है. Norway उसको initial funding provide कर देगा. अलग अलग countries है, देखना क्या है. So that to help the marine transport and fishing sector to adopt a low plastic future. कि comparatively future में हम कैसे कम से कम plastic use कर सकते हैं. So that the marine life is not affected at all. इसके लिए 30 countries, अलग अलग countries आ रही है. Initially start किया, for example, Norway ने initial funding दी है. किस तरीके से हम prevent, reduction and control of marine plastic can be done. तो इसके लिए Grolliter partnership project एक start किया है. IMO, FAO ने इन मिल के ताकि लो प्लास्टिक फ्यूचर की तरफ हम comparatively move कर जाएं. नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. क्या है? देखने के लिए कि कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, मीडियम लेवल पे वल्नरेबल है, लो लेवल पे उनकी कंपेटिवली वल्नरेबिलिटी होती है. झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल आइडेंटिफाइड एज हाईली वल्नरेबल. और इसमें से भी असम, बिहार और झारखंड की बात करते हैं, 60% डिस्ट्रिक्ट्स दे आर बेसिकली बीइंग कैटेगराइज्ड एज हाईली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स. वो कंपैटिबली बहुत ही बड़ा लेवल हो जाता है. जो स्टेट्स लोअर मिडिल वल्नरेबल है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम एंड पंजाब लो वल्नरेबिलिटी है, और लोअर मिडिल और लो वाली है उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, नागालैंड एक्सेट्रा, दे आर कंपैटिबली हैविंग वेरी लो वल्नरेबिलिटी. और खास करके आपको इन कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए. प्रेफर तो करिए कि आप तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, कहाँ पे कंपैरेटिवली कम वल्नरेबिलिटी है. इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. एक रिपोर्ट तैयार करी गई है बाई द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, महेंद्रगिरी कहाँ पे? उड़ीसा. बायोस्फीयर रिजर्व कंटेक्स्ट में महेंद्रगिरी हिल्स में इकोसिस्टम में एक सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे सदर्न पार्ट में उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड ओवर हियर. साल फॉरेस्ट, मिक्स्ड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्क्रब्स दे आर बेसिकली बी फाउंड. ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस रिगार्ड, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है. सौरा ट्राइब पर्टिकुलरली वल्लेव ट्राइबल को अपने कांदा ट्राइब आर बेसिकली फाउंड हियर. 40% ओडिशा का फौना यहाँ पे पाया जाता है. 29 ऑफ द 41 थ्रेटन्ड मेडिसिनल प्लांट्स आर बेसिकली फाउंड. जो एनिमल्स हैं, इंडियन एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, हाइना, स्नेक एक्सेट्रा आर बीइंग फाउंड. 165 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स, स्नेक्स एक्सेट्रा आर बेसिकली फाउंड ओवर हियर. तो खास करके आपको क्या पता होना चाहिए, ये 3-4 स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा, इनके बारे में तो कंपैरेटिवली आपको पता होना चाहिए. डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है.
डेफिनेटली आफरीन दैट इज मोर देन सफिशिएंट. नाउ व्हाट इज द बायोस्फीयर रिजर्व launched in 1971 as a part of UNESCO Man Biosphere Man and Biosphere program ka part hai. International designation by UNESCO diya jata hai for a natural and a cultural landscape that would be existing over a large area of particular territory or that may be coastal, that may be marine ecosystem jo comparatively wahan pe hoga. Ek balance develop karna teen cheez mein, economic, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज को हम कैसे कंपेरेटिवली बचा सकते हैं. इट मस्ट बी अ साइट यहाँ पे प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड. कोर एरिया होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. कोर एरिया मस्ट बी अ बायोजोग्राफिक यूनिट एंड शुड बी सच ए लार्ज एरिया दैट इट शुड बी एबल टू हैव अ वाइबल पॉपुलेशन, अ सपोर्ट एंड सस्टेन अ वाइबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. वहाँ पे कंपेरेटिवली उतनी पॉपुलेशन, उतना वो एरिया होना जरूरी है. लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट है. तो यूज देयर नॉलेज इन द बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ट्रेडिशनल ट्राइब और रूरल मोड. क्योंकि रूरल एरियाज को किसी भी चीज के प्रिजर्वेशन के बारे में कंपेरेटिवली ज्यादा पता होता है, तो वो अभी आपको पता होना चाहिए. डिफरेंट टाइगर रिजर्व आर देयर. नवेगांव नक्सीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र. इट कंप्राइजेस ऑफ नावेगांव नेशनल पार्क, नावेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नक्सीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नक्सीरा एंड कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसके कंटेक्स में आपको ये न्यूज़ करवा रहे हैं कि ये है कहाँ पे. कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर इन महाराष्ट्र. इसके बारे में आपको कंपेरेटिवली अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. यहाँ पे फॉरेस्ट कौन सा है? सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है. एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, जैकाल एक्सेट्रा. दीज आर माउस डियर हो गया. दीज आर द डिफरेंट एनिमल्स दैट आर बेसिकली बींग फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ दिस टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र. नाउ डिफरेंट लेक्स दैट आर देयर इन द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर रीजन. डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में. सेकेंड लार्जेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसको और क्या बोला जाता है? लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर एंड श्रीनगर ज्वेल. किसको बोला जाता है? इट इज बेसिकली रेफर टू द लेक ऑफ डल, डल लेक. नेक्स्ट इज डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर वाले रीजन में. वुलर लेक कहाँ पे है? कश्मीर वाले रीजन में. द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दैट इज देयर इन एशिया. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ये बड़ा क्यों था? ये बड़ा था बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक गतिविधि के कारण ये लेक. फॉर एग्जाम्पल आपको वुलर लेक वहाँ पे एस्टेब्लिश है. कौन सी रिवर से फीड होता है, फेड होता है? यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. यहाँ पे जेलम रिवर फ्लो करती है. इट इज़ वन ऑफ द रामसर साइट भी कंपेरेटिवली बना जाता है. 42 डिफरेंट वेटलैंड्स आर देयर इंडिया के कंटेक्स में और वहाँ पे डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नगीन लेक के बारे में न्यूज़पेपर में आया था. इन द रीजन ऑफ द कश्मीर यूट्रॉफिक लेक है, लोकेटेड इन श्रीनगर. इट इज कभी कभी इसको डल लेक का पार्ट भी बोला जाता है बिकॉज एक नैरो स्ट्रेट से ये कनेक्ट किया है. संसार लेक जम्मू रीजन में, सनासर लेक. मनसवल लेक कहाँ पे है? जम्मू रीजन में. पुरमंडल लेक या छोटा काशी, छोटा काशी भी कंपेरेटिव जम्मू रीजन में है. आपको इन लेक्स के बारे में अलॉन्ग विद लोकेशन कंपेरेटिवली अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021. रिलीज कौन करता है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसको कंपेरेटिवली रिलीज करता है. हाईलाइट क्या कि रोल विंड पावर का रोल क्या है, सो दैट ऑन द रोड टू जीरो नेट एमिशन हम कंपेरेटिव नेट एमिशन को कैसे जीरो कर सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. रिसेंटली टोटल विंड पावर कैपेसिटी, विंड एनर्जी कितनी है वर्ल्ड में? 743 गीगावाट. इसमें चाइना और यूएस में जो नई इंस्टॉल्ड पावर है वो 75% है ऑफ द न्यू इंस्टॉलेशन एंड ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड विंड पावर कैपेसिटी. तो ये कंपेरेटिवली सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नई विंड पावर एस्टेब्लिश हो रही है उसमें 75% चाइना और यूएस में हो रही है, पहली बात. दूसरी बात, जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें से आधा सिर्फ चाइना और यूएस में है. जनरेशन इंडिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड.
installed capacity is 38 gigawatt and fourth largest in the world. News mein kyun tha? It recorded a record year for the global wind power industry. Jab competitive production kafi zyada ho gayi thi. To friends, aaj wali class ko hum yahin pe khatam karte hain. Theek hai? Isko kal competitively hum continue karenge aur isko competitively aage move karenge. Aur jo students test series join karna cha rahe hain, 8th of this August se competitive test series start ho rahi hai, usko join kar sakte hain. और यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट गाइडेंस लेने के लिए चाहते हैं वो भी ले सकते हैं. एंड इसके कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी का, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके जो नेक्स्ट उसके बाद पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, या दूसरे से ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो भी कंपेटिटिव आपको करवाया जाएगा. तो नॉर्मली कभी भी जो स्टूडेंट्स अभी नए ज्वाइन करे हैं वो पहले यूट्यूब पे भी काफ़ी क्लासेस है डिफरेंट करंट अफेयर की है वो देख सकते हैं और इससे आगे से कंपेटिटिव थ्रू कॉन्टिन्यू किया जा सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ए बी मोटिवेशन आप कॉल कर लीजिए, आपको असिस्ट कर देगी हमारी टीम जो भी बेस्ट पॉसिबल हो. थैंक यू वेरी मच.